Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So class 3, today we are going to do our workbook, page number 16. Unit number 2, natural resources, chapter number 3, water. आज हमने इसका question करना है जो कि हमारी workbook page number 16 पे mention है. Describe the uses of water. हमने water के uses बताने हैं, पानी का इस्तेमाल बताना है, ठीक है? तो हम इसका answer write करना start करते हैं. Water is used for cleaning, bathing, washing, mixing and for many other purposes. यानी हम पानी को जो है वो सफाई में भी इस्तेमाल करते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम अपने यूटेंसिल्स, हमारे बर्तन होते हैं उसको वॉश करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए उसमें भी हम पानी यूज़ करते हैं, मिक्सिंग किसी चीज़ में मिक्स करने के लिए भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग अपना घर या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है? हमारे कुकिंग में भी यूज़ होता है पानी, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पानी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, ठीक है, बोटिंग, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है और हमें इसका यूज़ भी एहतियात से केयरफुली यूज़ करना चाहिए पानी को, ठीक है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे. हमारे वर्क टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम अपना रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. व्हाई आर नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. कुदरती वसाइल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं, ठीक है? उन्होंने कुछ रीजन्स, उसकी वजूहत नीचे बताई हुई हैं, वो हम रीड करते हैं. पेट्रोल, गैस एंड कोल आर यूज इन ट्रांसपोर्टेशन. पेट्रोल, गैस और कोल जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, कार, बसेस, बाईसाइकल्स, ठीक है? हर चीज़ में जो है वो हम पेट्रोल, गैस या कोल का यूज़ करते हैं, ट्रेन्स में, ठीक है? नेक्स्ट है, लैंड एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन. सेकेंड वन है कि दूसरी चीज़ क्या है, ज़मीन और पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कल्टिवेशन के लिए, ठीक है? ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेश ऑक्सीजन. जंगलात जो हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमें साफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम साफ सांस ले सकते हैं, साफ हवा में सांस ले सकते हैं. दरख्तों से हमें साफ हवा मिलती है. एंड दे आर द सोर्स ऑफ वुड एंड फ्रूट्स. उसके अलावा जो वहाँ जंगलात में, फॉरेस्ट में जो दरख्त होते हैं उनसे हमें लकड़ी हासिल होती है, उसके अलावा फ्रूट्स यानी फल भी मिलते हैं. दे आर ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स. उसके अलावा ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत से लिविंग थिंग्स के लिए रहने की जगह, हैबिटेट किसे कहते हैं, रहने की जगह को, ठीक है? पेट्रोल, गैस, कोल, लैंड एंड वाटर, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें कुदरत की तरफ से मिली हैं. थैंक यू क्लास, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. थैंक यू.